हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और अच्छे से इन्वेस्टिंग सीख रहे होंगे और अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सो शुरुआत करते हैं आज अपनी वीडियो की, जिसमें शुरुआत में हम देखेंगे कि आज निफ्टी 50 का क्या हाल रहा। तो देखिए, आज निफ्टी 50 ने गैप डाउन ओपनिंग करी है। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब होता है कल के लेवल से निफ्टी अगर मॉर्निंग में गिर के बंद होता है तो उसको हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। और मान लीजिए अगर निफ्टी बढ़ के खुलता है तो उसको हम कहते हैं निफ्टी गैप अप ओपनिंग। मान लीजिए निफ्टी का फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कल क्लोजिंग थी 10,000 पे, और अगर आज निफ्टी खुलता है 9,900 पे तो मान लीजिए आपकी ये 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई। और अगर मान लीजिए निफ्टी कल बंद हुआ है 10,000 के लेवल पे और आज मॉर्निंग में ओपन होता है 10,100 के लेवल पे, तो आप कहेंगे कि 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हुई है। तो उम्मीद है गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की बात करें तो आज देखिए निफ्टी 50 गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। उसके बाद इसने हाई आज का बनाया वो था 10,003 का, और लो जो बनाया वो था 9,833 का, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस आज रहा वो रहा 9,881। इसका मतलब हुआ कि कल जो क्लोजिंग प्राइस था उससे ये डाउन रहा -32.85, लगभग 0.33% की गिरावट के साथ आज निफ्टी 50 क्लोज हुआ। और थोड़ा सा इस डाटा पे भी ध्यान दीजिए कि पिछले एक वीक की अगर बात करें तो निफ्टी 50 डाउन रहा है लगभग 1.5% से, और 1 मंथ में बात करें तो निफ्टी 50 अप रहा है लगभग 12.5% से। 3 महीनों में इसने गिरावट गिरावट तो नहीं कहेंगे, बढ़त दिखाई है जो है 7.80% की, और 6 महीने में जो इसने गिरावट दिखाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो है 17.80%। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब इसका मेन कारण तो COVID-19 ही है जो हालात हुए हैं निफ्टी 50 के 6 मंथ्स में। और अगर बात करें 2 ईयर्स की तो कुछ खास अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। वो है कि निफ्टी ने -8.2% की गिरावट दिखाई है, एक काफ़ी गिरावट है। मतलब इसका मान लीजिए कि इकोनॉमी के हालात कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं, भले न्यूज़ में या कहीं भी आपको कुछ भी बताया जाए, लेकिन निफ्टी इंडेक्स जो है वो थोड़ा बहुत इकोनॉमी को डेमोन्स्ट्रेट तो करता है। तो इससे आप मान के चलेंगे कि कुछ 2-3 सालों से हालात कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं इकोनॉमी के। तो बात आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आज के चार्ट की। तो देखिए आज गैप डाउन ओपनिंग रही, उसके बाद निफ्टी काफ़ी डाउन चला गया था, लगभग 9,860 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया था, और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर बढ़ता गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर देखिए ऊपर बढ़ा, फिर नीचे नीचे डाउन रहा, काफ़ी काफ़ी देर तक चलता रहा, लगभग 12 बजे तक ये डाउन रहा। फिर इसने थोड़ी सी बढ़त दिखाई, फिर देखिए एक पीक बनाया लगभग 1.5 बजे के अप्रॉक्स, जो कि 10,000 को टच कर गया था, और उसके बाद फिर मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और एंड में हल्का सा बढ़ के ये बंद हुआ 9,881 पे। तो आज के चार्ट में कुछ ऐसी खास बात तो नज़र नहीं आई, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखी, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला आज। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्टोरियल इंडेक्स इंडेसेस की। तो हम बात करते हैं सेक्टोरियल इंडेक्स की। तो देखिए निफ्टी कमोडिटीज़, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी PSC, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, इन सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस में गिरावट थी। मतलब ये सभी आज लाल लाल रंग दिखा रहे थे, और जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई वो देखी गई निफ्टी फाइनेंशियल्स में, जो लगभग 0.82% से डाउन था, और निफ्टी मेटल में जो लगभग 0.79% से डाउन था। नेक्स्ट बात करें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, निफ्टी MNC, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी, इन सब में ठीक ठाक सी बढ़त देखी गई, जिसमें निफ्टी मीडिया 1.71% की बढ़त के साथ बंद हुआ, और निफ्टी रियल्टी जो रियल एस्टेट सेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करता है वो बंद हुआ 0.76% की बढ़त के साथ।
तो आगे चलते हैं, बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो बात करें मारुति सुजुकी की, जिसने आज काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इसकी वजह से निफ्टी ऑटो का इंडेक्स भी आज हरियाली में बंद हुआ। तो देखिए, मारुति सुजुकी आज 224 रुपये बढ़कर बंद हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बढ़त थी, लगभग 4.07% की। भारती एयरटेल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ये भी लगभग 19 रुपये बढ़ा। विप्रो 5 रुपये लगभग बढ़ा। एक्सिस 8 रुपये बढ़ा, काफ़ी दिनों से डाउन डाउन चल रहा था। इंडसलैंड बैंक ने आज 9 रुपये की बढ़त दिखाई। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई, 56 रुपये की। यूपीएल भी 6 रुपये बढ़ा लगभग। बीपीसीएल 4.85 रुपीज़ बढ़ा। बजाज फाइनेंस ने अच्छी रिकवरी दिखाई और 31 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ। नाउ, और जो बढ़त वाले शेयर थे उनमें देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट है, टाटा मोटर्स हल्का सा 0.65 रुपये बढ़कर बंद हुआ, और अपना सन फार्मा 0.47% ऊपर रहा, और टेक महिंद्रा में 2.25 रुपीज़ की बढ़त देखी गई, ONGC में 0.30 पैसे की बढ़त देखी गई। तो ये सब थे आज के टॉप गेनर्स। नाउ बात करें अगर हम टॉप लूजर्स की, तो देखिए टॉप लूजर्स में रहा अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 रुपये लगभग की गिरावट देखी गई। टाटा स्टील में हल्की सी गिरावट देखी गई। डॉक्टर रेड्डीज में 20 रुपये की गिरावट। नेस्ले इंडिया में 143 रुपये की गिरावट। बजाज ऑटो भी आज डाउन रहा लगभग 29 रुपये से। HDFC बैंक आज डाउन रहा 11 रुपये से। और देखिए, एशियन पेंट्स में 26 रुपये की गिरावट देखी गई। HDFC जो ग्रुप है, मेन जो उसका शेयर है, उसमें 27 रुपये की गिरावट देखी गई। वेदांता में लगभग 1.75 रुपीज़ की गिरावट देखी गई। और बजाज फिनसर्व, ये काफ़ी गिरा हुआ था, जो -91 रुपीज़ की इसने गिरावट दिखाई। नाउ बात करें अगर कमोडिटीज़ की, तो देखिए अपना गोल्ड जो है वो आज 243 रुपये गिर गया था, लगभग 0.51% का चेंज है ये। और सिल्वर की अगर बात करें तो वो भी 0.13% से गिरा हुआ था आज। और कॉटन की बात करें तो 1.33% बढ़त के साथ वो बंद हुआ है। और क्रूड ऑयल देखिए 1.19% की गिरावट दिखा रहा है आज के प्राइसेस में। और नेचुरल गैस जो है वो लगभग 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। नाउ हम बात करें अगर अपने FIIs की और DIIs की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो उनके आज के डाटा देखिए, तो आप फिर से वही देखेंगे कि जो FIIs हैं उन्होंने आज भी नेट में सेलिंग करी है, और जो DIIs हैं उन्होंने आज नेट में बाइंग करी है। तो अगर हम FIIs के पिछले 4 दिनों का डाटा देखें, तो आप देखें कि ये FIIs तो अपना माल बेच के भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। 12 जून को भी बिकवाली, 15 जून को भी नेट बिकवाली, 16 जून को भी नेट बिकवाली, 17 जून को भी नेट बिकवाली। और उसके कंपैरिजन में अगर हम DIIs को देखें, तो वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, इंडियंस हैं, तो आप उनसे ऐसी उम्मीद रख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए, उन्होंने पिछले 4 दिनों से वो बिकवाली, वो खरीदारी पे खरीदारी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खरीदारी करी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 168 करोड़ की खरीदारी करी। सो ये था डाटा FIIs और DIIs का। नाउ मैं बात करता हूँ कुछ मार्केट न्यूज़ की, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें फर्स्ट है कि मारुति सुजुकी ने करूर व्यास बैंक टू ऑफर कस्टमर अट्रैक्टिव फाइनेंशियल स्कीम्स टू ओन अ न्यू कार। इन दोनों का टाई अप हुआ है, जैसे मारुति सुजुकी ने इंडसलैंड बैंक के साथ भी किया था। क्योंकि देखिए, कार अभी सब कोई लेना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं, मारुति सुजुकी और भी ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये कुछ बैंकों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। तो बैंक्स जो हैं वो कुछ स्कीम्स के थ्रू, कुछ अफोर्डेबल स्कीम्स के थ्रू इनकी कार बिकवानों में, इनके ऑटोमोबाइल्स बिकवाने में मदद करेंगी। तो इस तरह का ये टाई अप रहा आज मारुति सुजुकी का। और देखिए, ITC के बारे में खबर है कि ITC कुकीज ब्रांड सनफीस्ट डार्क फैंटेसी हैज़ कोलेबरेटेड विद मिल्क शेक मेकर फ्रोजन बोटल टू पेनिट्रेट द ऑनलाइन डेजर्ट स्पेस एज कंज्यूमर पिवट देयर स्पेंडिंग ऑनलाइन स्टे एट होम इन अ न्यू नॉर्मल। सो देखिए, कोविड के चलते या इसके बाद भी आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन खरीदारी है वो काफ़ी बढ़ेगी, ऐसा मेरा सोचना है। जो ट्रेंड दिखा रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ITC
आईटीज की कुकी ब्रांड सनफीस्ट डार्क फैंटेसी ने मिल्क शेक मेकर फ्रोजन बोतल के साथ एक पैचअप किया है जिसके थ्रू ये ऑनलाइन अपना सामान बेच सकेंगे। और देखिए नेक्स्ट थोड़ी डरावनी न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने कहा है कि इकनॉमी इस तरह से गिरेगी कि इस तरह की गिरावट कभी नहीं देखी गई, कभी दुनिया में इस तरह की गिरावट नहीं देखी गई होगी। इकनॉमी का वो बुरा हाल हो रखा है कि इकनॉमी इस तरह से क्रैश हो सकती है। तो देखिए डरने वाली बात तो है ही, IMF ने कहा है। और तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप सब लोग फाइनेंशियल्स को लेके ज़्यादा सचेत रहिए, बहुत ही खराब हालात हो सकते हैं। और बाकी तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे हालात रहते हैं। और यस बैंक देखिए कुछ FPOs के थ्रू अपने कुछ फंड्स रेस कर रहा है, 12,000 टू लेकर लगभग 15,000 करोड़ के करोड़ रुपए रेस करेगा ये FPO के थ्रू। सो ये कुछ खास न्यूज़ थी आज मार्केट की। नाउ हम बात करेंगे स्टॉक रिजल्ट्स की, कुछ रिजल्ट्स देखते हैं किन किन कंपनियों के क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं। तो देखिए इस इन हालातों में कोविड के कुछ अच्छे रिजल्ट की उम्मीद तो नहीं लगा जा ही सकती, वही इन शेयर्स ने दर्शाया भी है। तो देखिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नेट प्रॉफिट जो है वो दिखाया है 11 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर में लगभग 57.6% का डिक्रीज दिखा रहा है। और सेल्स ग्रोथ में भी डिक्रीज है, देखिए लगभग 3.7% का। और राम के इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में देखें तो बहुत ही ज़्यादा नेट प्रॉफिट में डिक्रीज है, लगभग 113.4% का डिक्रीज है। और सेल्स ग्रोथ में भी 62.1% का डिक्रीज है। PI इंडस्ट्रीज में देखें तो देखिए 21% से नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और जो इनका सेल्स ग्रोथ है वो भी 1.2% से डाउन हुआ है। ग्रेफाइट इंडिया देखिए काफ़ी अच्छा शेयर माना जाता था, लेकिन इसने इस बार 94.1% की गिरावट दिखाई है इस क्वार्टर में, जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं इसके, तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है इस शेयर के लिए। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, इस शेयर के प्राइस में। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 60% से डाउन रहा है इस बार। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक है जो, उसने भी गिरावट दिखाई है, 7.4% से नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, और जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.7% से डाउन हुई है। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स आज के। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो देखते हैं आज की बल्क डील्स क्या हुई हैं। देखिए बल्क डील्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपनी रिसर्च से, अपनी थोड़ी समझ से और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके। देखिए जो बल्क डील होती हैं वो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म ओ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ज़्यादा फायदा करवा सकती हैं। देखिए कैसे, जो बल्क डील्स में आप अगर डेली रेगुलर अपडेट रहेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। देखिए पिछले बार कुछ दिनों पहले ही रैमको सिस्टम्स की न्यूज़ आई थी कि विजय केडिया साहब जी ने इसमें कुछ लाख शेयर्स की बाइंग करी है। उसके बाद देखिए 3-4 दिन ये शेयर काफ़ी बढ़ा और फिर बढ़ते बढ़ते हर दिन लगभग अपर सर्किट में फ्रीज रहा। आज इसमें गिरावट देखी गई, लेकिन सोचिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी क्वांटिटी में शेयर खरीद सकते हैं, उनको इन डील से कितना फ़ायदा हो सकता है। शेयर आप ले सकते हैं जिसमें भी अच्छी न्यूज़ आई, या जिसमें बल्क बाइंग या सेलिंग हुई तो आप सेल का शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, और बाइंग हुई तो बाय करके उसको 1-2 दिनों में या कुछ महीनों में उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग की इसमें बात नहीं कही गई है, सिर्फ मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से और कुछ न्यूज़ेस से, और जो लाइव एक्सपीरियंस मैंने भी ऐसा करा है, मैंने भी कुछ प्रॉफिट अर्न किए हैं इस तरह से। सो बल्क डील्स आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए ऐसी बल्क डील्स हर वीडियो में लाता रहूँगा, तो आप इसको देखते रहिए। देखिए 3 बल्क डील्स पे हम आज ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि देखिए मैंने दिखाई भी हैं। सो फर्स्ट देखें कि मंगलम सीमेंट में नवोदय एंटरप्राइजेस ने सेल करी है क्वांटिटी, लगभग 1,59,000 की क्वांटिटी सेल करी है 204 रुपये के प्राइस पे। सो काफ़ी बड़ी सेलिंग है। तो देखिए मंगलम सीमेंट, सीमेंट सेक्टर तो ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस अभी नहीं दिखा रहा है, तो इसमें काफ़ी बड़ी सेलिंग है, तो सावधान रहिए इस शेयर में थोड़ा।
नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैरी कॉरपोरेशन लिमिटेड में आज सेलिंग हुई है, वो हुई है 3,50,000 शेयर्स की 6.78 रुपीज़ के प्राइस पे। सो ये भी काफ़ी बड़ी सेलिंग है और ये छोटा सा शेयर लग रहा है मुझे, पेनी शेयर, तो इसमें काफ़ी बड़ी सेलिंग है, तो इसमें भी आप थोड़ा सावधान रहिएगा। नाउ एक अच्छी खबर भी है, देखिए यूनाइटेड पॉली में शिव मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ने 90,000 शेयर्स की क्वांटिटी उठाई है 6.110 रुपीज़ पर। तो इस तरह से आप देखिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि ऐसा होना ही होना चाहिए, हो सकता है शेयर आज किसी कंपनी या किसी ट्रेडिंग कंपनी या किसी बड़े आदमी ने खरीदे हों और कल वो तुरंत बेच दे तो शेयर का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो आप सचेत रहिए, थोड़ा सा देख सुन के लिमिटेड पैसा लगाइए और अच्छा प्रॉफिट कमाइए। सो उम्मीद है आपको ये बल्क डील्स की कहानी समझ में आई होगी, और बल्क डील्स के ऊपर एक मैं पूरी फुल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें और भी हम कुछ बातें करेंगे इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी आज की बात पे। तो देखिए आज की बात क्या है, धीरे चलना शेयर मार्केट में सही है, बस अपनी ज्ञान की तेज को धीमा ना होने देना। ये अपने होना था, बाय मिस्टेक अपनी यहाँ पे आ गया है। तो मेरा कहना यह है कि धीरे चलना शेयर मार्केट में सही है, धीरे चलने में कोई बुराई नहीं है। आप शेयर्स लें, थोड़े दिन तक होल्ड करें या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें और उसको अच्छे से बेचें, प्रॉफिट कमाएं, और अपने एक्सपीरियंसेस के, अपने नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और सबकी एडवाइस लेके अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो अपना ज्ञान का तेज है, जो आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेते रह रहे हैं, उसको कम मत करिए। देखिए जितनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं, ये बात बिल्कुल ज़्यादा 100% सही नहीं है। लेकिन आप अगर नॉलेज लेते रहेंगे तो आपको, आपके जो डिसीजन होंगे उस नॉलेज के बेस पे वो और बेटर होंगे, तो आप शेयर मार्केट में लॉस से बचेंगे और प्रॉफिट काफ़ी बुक करेंगे। और यही मुझे लगता है हर किसी की उम्मीद होती है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाया जाए और लॉस कम से कम हो। सो दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और देखिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और हर दिन अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज ऑन योर मेंटल हेल्थ टू। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।